मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि एक हर कंपनी जो है, हर बिजनेस ओनर जो है, एटलीस्ट उसका एक फनल रेडी होना चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली लीड देते रहे, भले आप पेड एड्स में लगाओ या ना लगाओ। बट हे गाइस, माय नेम इज पवन राजपूत, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्री लीड जनरेशन स्ट्रेटजी फॉर योर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ, दो से तीन स्ट्रेटजीज जो आपको हेल्प करेंगे कंसिस्टेंटली फ्री में लीड जनरेट करने के लिए आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के। देखिए, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज है, जो ऐसा नहीं कि जो करंट आपका प्रोजेक्ट है सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए आपके बेनिफिशियल है, बल्कि ये बेनिफिशियल हो सकता है आपके पूरे के पूरे कंपनी के लिए। जो भी आपका ब्रांड नेम है, जो पर्सनल ब्रांड है, पूरी कंपनी का जो भी नेम है आपका, जैसे मेरा एग्जाम्पल फर्स्ट मार्केटिंग, तो ये पूरे कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज का जो करंट आपका जो प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम में जो न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे उन प्रोजेक्ट के लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन स्ट्रेटजी की, जहाँ पर आपको चाहिए होगा वेबसाइट। आज के टाइम में वेबसाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर आपके पास आज के टाइम में वेबसाइट नहीं है तो यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस ऑन द वेब। जो वेबसाइट के थ्रू आपको लीड जनरेट हो सकता है वो आप खो रहे हो बेसिकली, ठीक है। दूसरा इसमें डिसएडवांटेज ये है कि आप कस्टमर एक्सपीरियंस को यहाँ पर आपको इजी बनाना चाहिए, तो कस्टमर आपसे खरीदना चाहता है वहाँ पर आपने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वेबसाइट बनानी चाहिए, वो आप नहीं कर रहे। वेबसाइट जो है आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस को इजी कर देती है। इजी किस चीज में करती है? आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आपने आपके वेबसाइट के ऊपर डाल करके रखा हो, जहाँ पर आपने पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन दे दे रखी है कि ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, ये इसके एमिनिटीज हैं, ये इसके फीचर्स है, ये इसकी टिकट साइज है और ये लोकेशन है, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दिया, एक ही सिंगल पेज पे, एक ही जगह पे पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहा है, कुछ लाइक फाइल होगी तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, और लोन ऑप्शन है या नहीं है, तो पूरा एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपने एक ही पेज पे दे दिया। इंस्टेड ऑफ जनरली जिनके पास वेबसाइट नहीं, वो क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल के थ्रू पूरा मतलब बंच ऑफ मे बी 20-25 पीस ऑफ कंटेंट वो शेयर कर देते हैं। अब वो बंदा एक 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 चीज देख रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ वर्स्ट, और सामने वाले के कस्टमर का जो है उसका फोन स्टोरेज भी फुल हो जाता है, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ फनी थिंग, बट या आपको वेबसाइट होना जरूरी है, एंड वेबसाइट जरूरी है। आप गूगल एड्स चला रहे हो तो गूगल एड्स में काफी बेनिफिशियल हो जाता है, बट मैं फ्री के स्टफ की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर एक चीज मैं बताऊंगा। यहाँ पर आता है वेबसाइट के अंदर एसईओ। तो एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिकली आपको रियल एस्टेट में किस तरीके से आप एसईओ कर सकते हैं। सो जब एसईओ की बात आती है, बेसिकली आप अपने वेबसाइट को सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजिन क्या है गूगल, तो गूगल के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करना, ताकि आपकी वेबसाइट जब आपका कस्टमर आपके प्रोजेक्ट के बारे में सर्च करे या फिर आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड के बारे में सर्च करे। एग्जांपल, आपके पास 2 BHK का प्रोजेक्ट है, आपका कस्टमर आपके सिटी में सर्च कर रहा है 2 BHK नियर में, 2 BHK फ्लैट में भी इन मुंबई में भी इन हैदराबाद में भी इन औरंगाबाद, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट वहां पर आनी चाहिए और कस्टमर फिर वहां से आपका कॉन्टेक्ट करने लगे। तो एसईओ में ये चीज होती है जहां से आपको ये बेनिफिट है। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एसईओ में आप जो भी आपकी लिस्टिंग है, ठीक है, आप लिस्टिंग तो करोगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो ना, एक ब्लॉग बना सकते हो, एक आर्टिकल बना सकते हो, जहाँ पर आप बता सकते हो कि ये जो मेरी लिस्टिंग है क्यों बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल के लिए मान के चले आपका प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है, तो इसमें आप बता सकते हो कि वाई पर्सन शुड इन्वेस्ट इन दिस प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आने वाले 5 साल बाद या फिर 3 साल बाद 1 करोड़ का होने वाला है, इसका मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रहने वाली है, क्योंकि लग्जरियस प्रोजेक्ट है, एंड आपको ये लग्जरियस प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग में आपको सिर्फ 30 लाख में मिल रहा है। तो आप ये बेनिफिट बता सकते हो, आप बता सकते हो कि ईयरली ग्रोथ कितनी हो रही है अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो इस काइंड ऑफ इन्वेस्टर लीड्स आपको मिलेंगे अगर आप एक ऐसा ब्लॉग आर्टिकल बनाते हो, देन यू प्रमोट योर प्रोजेक्ट और वहां से भी आपको अच्छे लीड्स मिलेंगे। अभी वेबसाइट मतलब जहाँ पर जो लीड है, एसईओ वगैरह जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, इसका इस्तेमाल आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कर सकते हो। आप शेयर कर दे सकते हो आर्टिकल्स जो भी आप बनाएंगे, और सोशल मीडिया से भी आपको लीड्स मिलेंगे। बट गूगल से जो लीड्स आती है उनका इंटेंट होता है खरीदने का, उनका इंटेंट होता है जानने का। जैसे आप मेरे को 2 BHK होम चाहिए, तो इसमें इंटेंट क्या, ठीक है, मेरे को परचेस करना है। सो आपने अगर एसईओ के थ्रू मेरे को अच्छे से कन्विंस कर लिया, ऑनलाइन ही हाफ ऑफ आपने कन्विंस कर लिया, तो यू वोन द हाफ ऑफ द बैटल, बाकी आपको
साइट विजिटिंग करवाना है और एवरीथिंग विल बी डन ऑटोमेटिकली, ठीक है। और मैं आपको और एक आइडिया देता हूँ, जिसमें आप कर सकते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की सक्सेस स्टोरी, कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में, या फिर केस स्टडी, या फिर जो कस्टमर ने परचेस किया है आपका प्रोजेक्ट, एक कस्टमर या फिर कोई इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, तो उसके साथ एक फोटो निकाल के आप डाल सकते हो कि इन्होंने ये परचेस किया है, उनका फीडबैक वीडियो डाल सकते हो। तो आपको जो सोचना है कि आप किस तरीके का कंटेंट एसईओ के रूप एसईओ के लिए डाल सकते हो। अभी एसईओ देखो आप खुद से कर सकते हो, आपको सीखना पड़ेगा, जहाँ पर काफी कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ, तो आप खुद से सीख करके कर सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, आपको ये 3 से 6 महीने, 1 साल में 2 साल में रिजल्ट देगा, ठीक है। आप किसी प्रोफेशन को हायर करके उसको ये काम दे सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप ये खुद से करते हो तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्री लीड जनरेशन फॉर यू, क्योंकि आपको फ्री में लीड्स मिल रही है। बट अगर आप किसी से करवा के देन यू स्टॉप इट, मान के चलिए आपने कोई एक दो आर्टिकल्स, 2 से 3 ब्लॉक करा है, 2 से 3, हार्डली, आई एम नॉट सेइंग कि आपको मंथ टू मंथ 10 15 20 30 50 100 ब्लॉक लिखते ही जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आपने 2 से 3 ब्लॉग भी बनाए स्पेसिफिकली अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड स्पेसिफिकली अबाउट ऑप्टिमाइज किया स्पेसिफिकली योर लोकल सिटी, जो लोकल एरिया है उसके लिए, मतलब लोकल एरिया में अगर कोई सर्च करेगा तो एटलीस्ट वहां पर आपका सर्च रिजल्ट आएगा। आपने उसके लिए भी ऑप्टिमाइज किया ना, इट विल बी अ लॉट ऑफ इनकम। आपने एक बार उसको मतलब काम करवा लिया, देन आप उसका लाइक लाइफ टाइम उसका यूज कर सकते हैं, लाइफ टाइम लाइक एज लॉन्ग एज आपके साथ वो प्रोजेक्ट है, आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इनिशियली आपको जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो एक दो स्टार्टिंग के जो भी लीड्स आ रही है उससे शायद आपकी क्लोजिंग हो जाए, और लॉन्ग टर्म में इट्स अ काइंड ऑफ बेनिफिशियल थी, ठीक है। एक एसईओ फ्री लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी है। नंबर 2 हो गया कि आप इसी वेबसाइट के ऊपर एक काम कर सकते हो, या फिर एफबी का जो मैसेंजर है, मैसेंजर के ऊपर आता है चैटबॉट, ठीक है, आप चैटबॉट बनवा सकते हो। सो बेसिकली चैटबॉट होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर या फिर आपके मैसेंजर के ऊपर आता है, फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आता है, तो आपको मैसेज करता है, राइट। तो मैसेज में आपने लाइक कस्टमर ने आपको हाय डाला एंड डाला उसकी इंक्वायरी की आई एम लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट, तो आपके पास जो जो प्रोजेक्ट है मेरे को बता दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको जो चैटबॉट है वो एक सिस्टम है, एक मशीन है जो कि 24/7 हर काम करती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको बता देंगे, हाँ ठीक है सर, ये हमारे पास ये अवेलेबल लिस्टिंग्स है, आप देख सकते हो। तो उसको यहाँ पर बटन्स मिलेंगे, 1 2 3 बटन, वो यहाँ पर वो क्लिक करेगा, हाँ ठीक है, व्यू डिटेल्स, फिर वो व्यू डिटेल में अपना उसको पूछेंगे आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आप वहां से वो खुद ब खुद वो चैटबॉट आपके लिए जनरेट कर देगा, ठीक है। तो आपको ये ऑनलाइन आप खुद सीख के बना सकते हो या फिर किसी को हायर कर सकते हो। आई पर्सनली ऑफर सच थिंग, सो यू कैन वर्कआउट विथ मी एज वेल, अगर आप मेरे से करवाना चाहते हो तो एज यू कैन फाइंड समवन एज, ठीक है। यहाँ से आपने फ्री, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, कोई रिकरिंग पेमेंट देने की गरज नहीं, अगर आप किसी को हायर करते हो तो, जहाँ पर आपको एक बार ही पैसे देना है एंड यू विल बी हैविंग अ लाइफ टाइम चैटबॉट फॉर योर प्रोजेक्ट। आप उसको अपडेट कर सकते हो, रिमूव ऐड न्यू प्रोजेक्ट वगैरह जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो चैटबॉट इज अ काइंड ऑफ वेरी गुड थिंग टू डू अ लीड जनरेशन। नंबर 3 है जहाँ पर आप पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो या फिर कंपनी की ब्रांडिंग कर सकते हो। जहाँ पर आपका गोल होना चाहिए कि आप ज्यादा ज्यादा आपके फॉलोअर्स लाइक्स गेन करें आपके जो भी सिटी है, लोकल एरिया में, एटलीस्ट वहां पर एटलीस्ट आप फेमस हो जाए। आपके कोई नॉन रियल एस्टेट पर्सन भी है जो नॉन रियल एस्टेट प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है, उसको भी आपके ब्रांड के बारे में पता। आप सोलो पर्नर बोल के काम कर रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप कौन हो लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, आप एक काम कर सकते हो फ्री में लीड जनरेट करने के लिए, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए। बेसिकली आपको करना ही है कि आपको लोगों को वैल्यू डिलीवर करनी है। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता सकते हो कि आप जब फर्स्ट होम खरीद रहे हो तो कौन से चीजों का आपको, कौन से बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी चीजें, कौन से डॉक्यूमेंट पेपर लीगल वर्क आपको करना चाहिए इनिशियली। सो एक आप बेसिकली लोगों को वैल्यू दे रहे हो जो फर्स्ट टाइम होम खरीदना चाहता है, ठीक है, तो वो लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे एंड देन यू प्रमोट योर प्रोजेक्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट है, यू कैन इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेस फ्रॉम मी, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, सेम चीज एक कंपनी है तो वो भी कर सकती है, कंपनी भी बता सकती है वैल्यूएबल पोस्ट बेसिकली। इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी है इसी में कि आप रील्स बना सकते हो, आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स काफी चल रहा है, आप छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना सकते हो
एंड वो शॉर्ट वीडियो जो है आप यूज कर सकते हो अपने मार्केटिंग के लिए। मतलब शॉर्ट वीडियो कैसा, अपने जो भी आपका घर है ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट का एक छोटा छोटा वीडियो बना दिया ऊपर नीचे अंदर से बाहर से 30 सेकंड के, ठीक है, और पीछे बैकग्राउंड में कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग या फिर ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है वो सॉन्ग लगा दिया, एंड यू विल सी दैट काफी सारे व्यूज मिलेंगे। हो सकता है कि वो व्यू आपके स्पेसिफिक सिटी से ना हो, बाहर के हो, बट एटलीस्ट आपको व्यू मिलेंगे। प्लस आप इसमें ये भी कर सकते हो कि जो रील्स है वहाँ पर आप टैग लगा सकते हो मुंबई या फिर हैदराबाद, जो आपकी जो भी आपका लोकेशन है, तो वो टैग जो भी पर्सन यूज कर रहे हैं या फिर वो टैग्स को जो भी पर्सन फॉलो कर रहा है, ऑब्वियसली जो मुंबई रेसिडेंशियल है, जो लोकेशन के जो रेसिडेंशियल है वो लोग उस टैग को फॉलो कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट वहां पर आपकी रीच हो जाएगी। एटलीस्ट आप 2-3 हजार लोगों तक तो पहुंच पाओगे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्री में रील्स का यूज करके। आप सेम फेसबुक के ऊपर भी कर सकते हो, तो आपके मान के चलिए आपकी पर्सनल प्रोफाइल है जहाँ पर आपने पूरे के पूरे रील्स पूरा प्रॉपर्टी के बारे में बताया हुआ है आपने, आप वीडियो बना रहे हो, आप छोटे छोटे वीडियो फोन से नॉर्मली आप बना रहे हो, बता रहे हो कि ये प्रोजेक्ट है, इतनी इतनी इसकी प्राइस है, इफ यू आर इंटरेस्टेड कॉन्टेक्ट मी, बैकग्राउंड म्यूजिक में बॉलीवुड सॉन्ग लगा दिया, या फिर वो अगर आप कैमरा फियर नहीं है आपको तो फिर कैमरे के सामने आप वैल्यू दे सकते हो, आप कुछ भी ट्रेंड जो चल रहा है ना मार्केट में, ट्रेंड के साथ घुल मिल के आप लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये 2 से 3 तरीके आपको बताया लीड जनरेट करने में, तो होपफुली इट विल हेल्प यू अलॉट, एंड आई वुड पर्सनली से कि आपको हर एक चीज करते रहनी चाहिए। एक पूरा मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि एक हर कंपनी जो है, हर बिजनेस ओनर जो है, एटलीस्ट उसका एक फनल रेडी होना चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली लीड देते रहे, भले आप पेड एड्स में लगाओ या ना लगाओ, बट एटलीस्ट एक प्रोसेस जो एक वर्कआउट होता है या फिर एक डेली बेसिस पे लीड आनी ही चाहिए बिजनेस में, ठीक है। तो होपफुली यू गाइस इट विल हेल्प यू अलॉट। अगर आपको कुछ इस वीडियो में डाउट है, कुछ कमेंट आपको देना है, कोई फीडबैक देना है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मेक श्योर आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना, ठीक है। सो सी यू इन अनदर वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।